असलामु अलैकुम ते सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाबी प्रचार टीवी ते मैं तुहाडे नाल इरफान समोर। असी अज ननकाना साहब जन्म स्थान मौजूद हाँ। बाबा जी के 551वें उर्स दियां जन्मदिन दियां तकरीबात जारी ने और लोग जोग दर जोग आ रहे हैं। इस टाइम मेरे नाल एक खातून मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात कर रहे हैं, उन्हां दे विचार जान रहे हैं। सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं सखर से आई हूँ। अच्छा, सखर से आई हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनीता है। अच्छा सुनीता जी, ये बताइए कि अकेली आई हैं, कोई पूरा ग्रुप है या फैमिली है, किसके साथ आई हैं? जी मैं ग्रुप के साथ आई हुई हूँ और यहाँ पे दर्शन करने की बहुत इच्छा थी तो पहुँच गए। अच्छा, कितने लोगों का ग्रुप है? और दूसरा ये बताइए कि आप लोग डायरेक्ट यहीं पे आए हैं या कहीं से हो के आए हैं? नहीं नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर आए हुए हैं ननकाना साहब में, और हमारी पूरी गाड़ी है उसमें 25-26 लोग हैं पूरे ग्रुप में। बहुत एंजॉय किया और यहाँ दर्शन के लिए चाहती तो आ गए। ये आप कब यहाँ पे पहुँचे और यहाँ से आगे कब मूव करना है आपने? जी हम फर्स्ट को वापस जा रहे हैं, 2 दिन हुए हैं यहाँ पर आए हुए। तो अभी वापस जाएंगे या आगे मजीद गुरुद्वारों पे, करतारपुर या पंजा साहब, कहीं है प्लान आपका? जी कल गए थे, सच्चा सौदा गए थे, करतारपुर गए थे, आज यहाँ पर डोली साहब के लिए दर्शन, इसीलिए कल भी यहीं होंगे, रात को वापसी है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन सी आपने एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया? मत्था टेक लिया, लंगर भी है, प्रसादा है, सब में हिस्सा ले लिया है। सबसे बड़ी अच्छी बात है हम गुरुद्वारा साहब में अंदर जन्म स्थान पर जाते हैं, वहाँ में हमें सेवा मिलती है, बहुत मज़ा आता है। ऐसे नहीं है कि सिख लोग हम सिंधियों को नहीं छोड़ते, हमारी भी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। अच्छा, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि आप सिंधी हो या आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग बोलते हैं कि भाई ये सिंधियों के साथ मिलकर, नहीं बिल्कुल, हमें वो रिस्पेक्ट, हम लोगों को सिंधियों को इज्जत दी जाती है। बाकायदा हम 3 दिन अंदर ही सेवा में होते हैं। बताइएगा यहाँ के जो इंतजाम आपने सारे देखे, ये कैसे लगे? बहुत अच्छे किए गए हैं। जो बता रहे थे कि कोरोना के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। इंतज़ाम किया हुआ है मास्क वगैरह का, एंट्री हमारी बहुत अच्छी हुई इजीली, मतलब कि किसी में भी ऐसी रुकावट हमें पेश नहीं आई। जो लोग बता रहे थे ये होगा, आप लोग जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा वही सब कुछ देख रहे हैं जैसे हर साल होता है। अच्छा, आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम आना हुआ है? नहीं, मैं 8 साल आती हूँ, 7-8 साल से आ रही हूँ। अच्छा, 7-8 साल से आ रही हैं। तो यहाँ पे आके जस्ट दर्शन के लिए आते हैं या कोई मन्नत वगैरह भी, जैसे मज़ारों पे लोग मांगते हैं, यहाँ पे भी मांगते हैं? हम दिल से मन्नत मांग के जाते हैं, वो हमारी पूरी हो जाती है। इस बार क्या मन्नत मांगी? मेरे हस्बैंड को फायरिंग हुई थी उनकी, वो आगा खान में एडमिट है, तो बस इस वजह से मैं आई कि वो खुश हो जाए। अच्छा, उनके लिए दुआ वगैरह? दुआ वगैरह की थी। अच्छा, तो यहाँ के सारे इंतजाम और लंगर कैसा था? अभी आप लंगर चख के आ रही थी मेरा ख्याल। बिल्कुल, इंतजाम बहुत ही अच्छा किया जाता है, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। खाने वाले थक जाएंगे, ये जो बनाने वाले हैं ना, लंगर कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, तो जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते, सिंध से, बलूचिस्तान से, काफ़ी शहरों से लोग आ रहे हैं, जो नहीं आ पाते, उनको आप क्या मैसेज देंगी? यहाँ पे जो चीज़ें आपने देखी हैं, जैसा माहौल था, जैसे इंतजाम थे, और ये सारी बातें आप उनको क्या मैसेज की सूरत में बताना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगी, बिल्कुल इंतज़ाम बिल्कुल सही है, आप लोग आएँ दर्शन के लिए, हर साल आया करें। जो लोग नहीं आते वो भी फेसबुक, आजकल आप बता मालूम है आप लोगों को इंटरनेट कहाँ तक पहुँच चुका है, मीडिया सब लोग घर में भी देखते हैं, लेकिन आके बहुत मज़ा आता है। गुरु नानक साहब का दर्शन करते हैं या आके दिल से जो भी इच्छा मांगते हैं वो हमारी पूरी हो जाती है। ठीक हो गया जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया।